This news is sponsored by City Heart Super Speciality Hospital, a unit of Thakur Nursing Home, Mehre Barsar, District Hamirpur. फायर सीजन शुरू हो चुका है और जंगल धधकना भी शुरू हो गए हैं। आए दिन विभिन्न वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अप्रैल महीने में ही धर्मशाला वन उपमंडल के अंदर 5 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते 62.5 हेक्टेयर एरिया आग की भेंट चढ़ चुका है। पहाड़ों पर धधक रही आग के चलते वन विभाग को आग बुझाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल में आग लगने के चलते 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ ग्राउंड स्टाफ द्वारा पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई है। वहीं आग लगने की घटनाओं से अब तक 62.5 हेक्टेयर एरिया आग की भेंट चढ़ चुका है। धर्मशाला वन मंडल के अंतर्गत जंगलों में आग की 5 घटनाएं पेश आ चुकी हैं। वन विभाग की टीमें पूरी मुस्तैदी से आग पर काबू पाने की दिशा में कार्य कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही वनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस वर्ष की अगर हम बात करें तो अभी तक अप्रैल के महीने में टोटल 5 हमारे फायर इंसिडेंस हो चुके हैं, जिसमें से धर्मशाला रेंज में ही 3-4 फायर स्पॉट हमारे हुए थे। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक थाथरी के पास था, दूसरा गलू के पास था और तीसरा सुधेड़ में था। सुधेड़ वाला तो इसको कंट्रोल कर लिया था, सेम डे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन हमें जो गलू और गुना माता के आसपास का जो फायर स्पॉट था उसको कंट्रोल करने में लगभग दो दिन का समय लग गया और थाथरी वाला तीसरे दिन जाके कंट्रोल हुआ। इसमें चुनौतियों का तो वन विभाग को काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आग लगी थी वो काफ़ी ढांक या स्टीप स्लोप था, जहाँ पे हमारी टीम का एक तो पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था, दूसरा ढांक होने की वजह से जो जहां आग लगी थी उस आग तक पहुंचने की भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था इनअसेसिबल एरिया होने के कारण। तीसरा, जैसे आग लगती है तो जैसा एरिया जलता है कुछ स्टाटा उसका लूज हो जाता है, तो शूटिंग स्टोन जहां से पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। देखो, वन मंडल धर्मशाला में जो हमारे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF साहब हैं, वो नोडल ऑफिसर हैं फायर कंट्रोल रूम के डिवीज़न लेवल के, और 5 जो रेंजेस हैं उनके रेंज ऑफिसर्स हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं रेंज लेवल के। आग की घटनाओं पे काबू पाने के लिए हमने हर एक ब्लॉक स्तर पे 18 टीम फायर फाइटिंग टीम्स का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कंसर्न जो ब्लॉक ऑफिसर है वो करेंगे। इसमें हमारे मल्टीपर्पज़ वर्कर रहेंगे, फॉरेस्ट वर्कर रहेंगे, फॉरेस्ट गार्ड रहेंगे और कंसर्न ब्लॉक ऑफिसर रहेंगे। तो हमने अभी तक 18 टीम फायर फाइटिंग टास्क फोर्सेस का गठन किया है। उसमें हमारे 81 फॉरेस्ट गार्ड डिप्लॉयड हैं, 32 फॉरेस्ट वर्कर हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर MPW हमारे 9 हैं और फायर वॉचर हमने सभी बीट्स में 72 तैनात किए हैं। इसके अलावा हमने एक कैंपेन चलाया था जिसमें हम फायर वॉलंटियर लोकल लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वन विभाग का सहयोग करने में, जब भी कोई आगजनी की घटना होती है उसमें काबू पाने के लिए वो वॉलंटियर सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं, तो वैसे हमने 496 फायर वॉलंटियर रजिस्टर किए हैं। इसके अलावा हमने सभी रेंज लेवल पे व्हीकल, क्योंकि स्पीडी मूवमेंट इसमें ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि जब भी आगजनी की कोई घटना सामने आती है तो वहाँ पे टीम का पहुँचना ज़रूरी रहता है, तो जहाँ तक सड़क जाती है उसके लिए हमने टैक्सी हायरिंग का उसको प्रबंध कर दिया हुआ है। 5 रेंजेस में ये इन प्लेस है मैकेनिज्म। सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बरसर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 01972 22 22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बरसर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।